हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं तो अपना होस्ट बाबा जी, और मैं पहुँचे हुआ इस वेले तकरीबन वेस्ट बैंक ते हैं, मखड़ शरीफ ते, जिथों के इंडस रिवर गुजरता है, और जिथे कहा जाता सी कि किला मंकीरा ए आखिरी वॉल्स जड़ियाँ ने वो नज़र आ रही ने उस जगह दियाँ। ठीक है जी, ए इंडस गुजर रहा, ग्रेट इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ए केव है जी, एक घर है गार दे विच बनया होया, बहुत वधिया जगह है। अंदर घट्टो घट 4 तो 6 बंदे रह सकते हैं एट ए टाइम। आ देख सकते हो तुसी, केव है पूरी, और सैंडस्टोन नू कट के कर्व करके ओ आला भी बने हुए अंदर। आप हवादान है, और इतों भी राव तो आंदा रहा है बाद चलाया मैं। गया हाँ, तो अपना होस्ट बाबा जी, और उसकी देख सकते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन से कह लो कि एवं इंडस वैली में सारे नाल पुराना नहीं मनिया जाता। इतने तो अमेजिंग फुटस्टेप्स ने हिस्ट्री दे जिड़ी कि कभी इन्ना ख़त्म होने वाले ने, अमेजिंग। मैं तो हैरान रह गया, मैं देख के है, सारा कुछ है, किताबों च नहीं है, ये किताबों च नहीं मैनशन किया होया। इंडस आ रहा है इस पासों, आओ जी थले चलने हैं दोबारा। वो बोट के जरिए पार किया जा रहा है, और एक वड्डी टाली कोई कुछ 200 साल पुरानी लग रही है मैं। वाह, लो जी एक होर केव, अमेजिंग। खालसा पंथ दे हाथ ये 1815 तो लेके 1839 तक है, जगह बोलती रही है। हाँ जी, देखो ये सैंडस्टोन है, क्योंकि रेत ही है बहुत ज़्यादा सख्त हुई हुई। अमेजिंग, बिल्कुल रेत है जी, रेत का बने हुए है। इसका मतलब है खुदाई करना कोई मुश्किल नहीं सी। या देखो, अमेजिंग, इंज लग रहा है कि सदियों तो रेत दफन हो गई होवे। ओ वाओ, अमेजिंग। फिर इसका मतलब है कि वो जड़ा कहा जा रहा है किला मखाड़ जिदी मैं तलाश से आया हुआ, शायद मैनू कुछ ना कुछ वह होर मिल रहा है। यह कुछ थड़े ने जी, इबादत वास्ते दसया जाता है कि साधु संत फकीर जड़े ने दरियावान के कंडे आके बैठते रहे हैं, जिन्होंने के थला साहब कहा जाता सी। ओ देखो तुसी इंडस उतों आके कितना क्लोज हो जाता है, छोटा हो जाता है। अमेजिंग हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ वेस्ट पंजाब, और मैं हाँ थोड़ा अपना होस्ट बाबा जी। आज तक कमाल ही हो गई है जी, रब रखा। एक ओके, क्या क्या